सुन पा रहे हो, ये मेरा ना गांव से है, नोर तहसील में, ना मेरी जाति से है, ना मेरी बिरादरी से है, ना मेरे को कभी मिला है। इन्होंने मेरे पास फोन किया, सच्चाई बताओ क्या विपत्ति थी उस टाइम आपके ऊपर जब मेरे पास आपने फोन किया? शराब पी ली थी मैंने। शराब पी ली थी? कितनी पी ली थी? बहुत ज्यादा शराब पी ली थी जी। आपने किया था फोन मेरे पास? आपका एक कौन था, रिलेटिव था, उसने मेरे पास फोन किया, इस गुड़िया का देवर था, उसने फोन किया कि उसने इतनी शराब पी ली, गालियां दे रहा, उसका ये नहीं पता आज रात को बचेगा या नहीं बचेगा। मैंने कहा, मैंने उसके ऊपर प्रेयर कर दिया से, जाओ शराब पिएगा ही, तारीफ करो। इसका फोन आया, फिर पास्टर जी जब आपने प्रेयर करी तो उसी टाइम मेरे शरीर के अंदर से कुछ निकल गया और मैंने आज तक शराब नहीं पी। आज शराब पी के आयो? नहीं पी। अब लड़ाइयां होती है? नहीं होती। अब शराब बिल्कुल छोड़ दी, तारीफ करो परमेश्वर। जो मेरे से मिले भी नहीं, बहुत दूर है, फोन पर जब परमेश्वर इतने काम करता है, सोचो जब आप इस भवन में आयो, मेरे सामने बैठे हो और मैं आपके ऊपर हाथ रखता हूं, तो कौन सी बीमारी की ताकत है जो आपके अंदर काम करेगी? है कोई? आज वो सृष्टि का मालिक आपको और आपके परिवार को फ्री करता है, तारीफ करो। इन लोगों को क्या बताते हो तो आपकी वीडियो देखेगा। इस जगह पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। तो आप गवाही दे रहे हो कि आप परेशानी में थे, आप दिक्कत में थे, आप आपे में नहीं थे, तब आपने फोन किया और उसके बाद आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया। इसके लिए, इस गवाही के लिए कोई पैसे तो नहीं दे दिया आपको? अपनी इच्छा से गवाही देते हो, खुशी से? ना तो आप मेरी जाति से हो, ना मेरी बिरादरी से हो, ना मेरे को कभी मिले हो आप। एक फोन पर प्रार्थना करने से परमेश्वर इनके जीवन को बदल सकता है, तो सोचो आज आपको क्या देने वाला परमेश्वर, आपको नई जिंदगी मिलने वाली है।